वेलकम यू ऑल टू आर चैनल विनर्स अकेडमी प्लस अगेन। आज मैं एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ मैथ्स का, जो कि अभी हाल ही में CHSL में पूछा गया और काफ़ी बच्चों ने बताया कि बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। नॉर्मली CHSL में बड़ी आसान मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं मोस्ट शिफ्ट्स में, तो इसलिए मैं उसका एनालिसिस मैथ का ज़्यादातर नहीं लेकर आया, क्योंकि एक तो बहुत ही एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं चल पाते हैं और दूसरे क्वेश्चन का लेवल भी कोई बहुत अच्छा नहीं आ रहा था। लेकिन एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा आया है और ये क्वेश्चन जो है आगे CPO CGL में भी आ सकता है, तो ये मैंने क्वेश्चन चुना है आपके लिए और ये बताने वाला हूँ कैसे इसको बहुत ही आसानी से किया जा सकता था विद द पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस और भी कॉन्सेप्ट्स मैं आपके लिए अब लाता रहूँगा रेगुलरली, जिससे जो बच्चे हैं आगे CPO CGL वाले उनको ज़बरदस्त फ़ायदा होता रहे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो, और एवरी सिंगल वीडियो दैट इज़ गोइंग टू कम आउट इज़ गोइंग टू ब्रिंग मार्क्स फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन था जो आया था, इसमें ये एक तरह एक कोऑर्डिनेटरल दिया हुआ था ABCD और ये बताया था कि ए और बी एंगल इनका जो सम है वो 90 है, ये साइड 20 दी हुई थी और ये 10, और इसका एरिया पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा इमेजिनेशन पावर थी, हालांकि एकदम से एग्ज़ाम में लगाना मुश्किल था, लेकिन इसमें जो इमेजिनेशन पावर थी वो ये जो इमेजिन करना था वो ये कि ये इसको अगर आप इस तरह से आपस में ऐड कर दो 4 times घुमा घुमा के, ये इसका पहला पार्ट हो गया जो इसमें दिया हुआ है इस ओरिएंटेशन में। अब इसको घुमा के दूसरे ओरिएंटेशन में ये आ जाएगा, तीसरे में ये आ जाएगा और चौथे में ये आ जाएगा, तो ये एक क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा और अंदर एक छोटा स्क्वायर बन जाएगा जो 10 साइड वाला है। तो इसका अगर एरिया आपको निकालना है तो फिर एक बार आपने अगर ये इमेजिन कर लिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए फिर बच्चों का खेल हो गया था। ये 20 का स्क्वायर पूरे बड़े वाले का जो है एरिया आ जाएगा 20 का स्क्वायर यानी 400, और उसमें से ये छोटे वाला जो स्क्वायर इसको माइनस कर देंगे तो वो 100, तो कितना बच गया 300। लेकिन हमें चाहिए एक पार्ट का, और ये किसका आ गया 1 2 3 4 चारों पार्ट का आ गया, बीच वाला हमने निकाल दिया, हमें केवल एक पार्ट का चाहिए, तो इसको डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो ये आ जाएगा 75 cm², ये इसका एरिया आ जाता। तो इतना आसान क्वेश्चन था ये, थोड़ी पावर ऑफ इमेजिनेशन इसमें लगानी थी, हालांकि एकदम से एग्जाम में नहीं लगती है, पर अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन ट्राई किए होंगे तो तभी आप इसको कर सकते थे। तो इस तरह के मैं और भी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, वो वीडियोस ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप कुछ ऐसा मिस कर दें जो आपके लिए बहुत की साबित हो आने वाले एग्ज़ाम जो CPO CGL में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आई एश्योर यू दैट यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड इमेंसली फ्रॉम दोज शॉर्ट क्लासेस। थैंक यू वेरी मच इंडीड, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।